मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइनुल, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 9 जून को भारत में एक नया इतिहास बनेगा। देश की आजादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से देश का आर्थिक विकास हो रहा है। एक बार फिर से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देश और दुनिया की उम्मीद भरी निगाहें नरेंद्र मोदी की तरफ। मोदी जी तीसरी बार एनडीए के घटक दल के नेता होने के नाते से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं और जिस प्रकार का समय चल रहा है भारत को और आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और ये देश की आज़ादी के बाद पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार इतने अच्छे बहुमत के साथ में खासकर भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकास के सारे एजेंडों को आगे बनाने के लिए दुनिया इसका इंतजार कर रही है और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा ऑफर दिया था। यह खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने किया है। केसी त्यागी का दावा है कि विपक्षी गठबंधन नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर विपक्षी गठबंधन की ओर से दिया गया था, हालांकि इस ऑफर को नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। साथ में जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी हैं। सर, 9 तारीख को शपथ ग्रहण है, अब किसी तरीके की असमंजस वाली स्थिति, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि बहुत दिन तक ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। मोदी जी के कल के भाषण के बाद सारी अफवाहों को विराम लगा है। जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में एनडीए की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसका जो स्वीकार्यता है, उस पर लंबा उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है और ये हमें अटल अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार एरा की याद दिलाता है। किस तरह से गठबंधन की सरकारें संयुक्त रूप से काम करती हैं। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ से जब ये चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बातचीत आप लोगों की, नीतीश जी की किसी तरीके की वहाँ से बातचीत या ऑफर? जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन के संयोजक के योग भी नहीं माना, उन लोगों ने अंतिम क्षण तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नई सरकार गठन हो ऐसे प्रपोजल्स भेजे। हम इंडी गठबंधन में अपनी पार्टी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफ़ी आसान्वित थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने स्थिति को खराब किया, जिसकी वजह से हम गठबंधन से बाहर आए और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने का काम किया। इतिहास गवाह है, नीतीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब हुई और एनडीए का प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो गया। हम ऐसी किसी अफवाहों को अब विराम देते हैं। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट कर। इस बार सबकी नजरें मोदी मंत्री परिषद पर हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार सहयोगी दलों से ज्यादा चेहरों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा। जून 2024 की शाम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी बहुमत से पीछे है। ऐसे में इस बार एनडीए की सरकार में जेडीयू और टीडीपी का सहयोग है। ऐसे में सहयोगी दलों की नजर मोदी मंत्री परिषद में अहम और बड़े मंत्रालयों पर टिकी हुई है। सूत्रों की माने तो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, नीतीश कुमार की जेडीयू की नजर 10 मंत्रालयों पर टिकी है। चिराग पासवान की एलजेपी, शिंदे की शिवसेना कम से कम दो दो मंत्री पद बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आरएलडी, अपना दल जैसे अन्य छोटे दलों को भी मंत्री पद की उम्मीद है। सहयोगी दलों की मांग चाहे जितनी हो, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में मंत्री परिषद में 12 से 15 मंत्री पद सहयोगी दलों को मिल सकते हैं। अगर बात 2019 की करें तो बीजेपी को 303 सीट मिली थी। 2019 में मोदी मंत्री परिषद में 72 मंत्री शामिल थे। इसमें सहयोगी दलों को 2 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 में मोदी मंत्री परिषद में 71 मंत्री शामिल किए गए थे। इसमें सहयोगी दलों को 5 मंत्री पद दिए गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली थी। हालांकि इस बार समीकरण कुछ अलग है। ऐसे में सहयोगी दलों को ज्यादा मंत्री पद मिल सकते हैं। इसमें भी टीडीपी और जेडीयू को ज्यादा प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है। फिलहाल मंत्री परिषद में किसे कितने पद मिलेंगे ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी हर बार अपने निर्णयों से चौंकाती आई है। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के निर्णय पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एनडीए सरकार में मंत्री पद को लेकर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन साहनी का बयान सामने आया है। मदन साहनी का कहना है कि 3 से 4 मंत्रालय जेडीयू को मिलने की संभावना है। बिहार की जनता चाहती है कि रेल मंत्रालय जेडीयू को मिले ताकि बिहार का विकास हो सके। पहले भी नीतीश कुमार रेल मंत्रालय और कृषि मंत्रालय संभाल चुके हैं। तय करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि जदयू से 3 से 4 तो निश्चित रूप से बनेंगे। कौन कौन लोग मंत्री हो सकते हैं आपके तरफ से? नहीं, वो तो चर्चा आप लोग सूत्र के हवाले से पहले बता रहे हैं, हमारा बताना उचित नहीं होगा और हमको अभी जानकारी भी नहीं है इसकी। हम लोग सूत्र के हवाले से बता रहे हैं कि ललन सिंह, संजय झा, अति पिछड़ा में रामनाथ ठाकुर, इस तरह के लोगों की नाम की चर्चा है। आपको लगता है इन्हीं में से कोई होगा? जो लोकसभा राज्यसभा का सांसद है वही होगा? वो तो जो जीते हैं उन्हीं में से बनना है, लेकिन जो आप संभावित नाम बता रहे हैं उसके अलावे से भी हो सकते हैं, लेकिन ये नाम जो आप बता रहे हैं वो सब हमको लगता है उसी में से कोई होंगे। और जो भी होंगे मुख्यमंत्री जी जो निर्णय करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी वो अच्छा ही करेंगे, और सब लोग तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन जो बनेंगे वो अच्छा ही रहेगा। मुख्यमंत्री पहले रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, आपको लगता है जेडीयू के खाते में वो फिर से आनी चाहिए इस बार? नहीं, ये बात का बिहार में भी चर्चा है कि रेल मंत्री बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार जी ही नहीं बल्कि कई लोग बने हैं, तो इसलिए वहाँ ज्यादा लोगों को इसकी चाहत है और उम्मीद है। और कृषि मंत्री भी रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे विभाग के मंत्री रहे बिहार में, लेकिन हमको लगता है कि रेल विभाग का अच्छा रहेगा, वहाँ बिहार के विकास के लिए अगर मिल जाता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगा इसके लिए। चलिए, मध्य प्रदेश में मिली जीत के बाद ये चर्चा है कि टीम मोदी में इस बार कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है।